वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ये भी उम्मीद है कि आप लोग इन लेक्चर्स को देख रहे होंगे और इस डिफरेंशियल ज्योमेट्री के ऊपर काम कर रहे होंगे तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सर्विस तो वो क्या चीज़ है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ये देख लें आपके पास अगर इस फॉर्म की इक्वेशन हो यानी कि जिसमें एक्स वाई जी का फंक्शन हो और ए यहाँ पे कोई भी पैरामीटर है इज़ इक्वल टू ज़ीरो वेर ए इज़ ए कांस्टेंट ठीक है रिप्रेजेंट ए सरफेस ये एक सरफेस की इक्वेशन है लेकिन इसमें ए हमने कांस्टेंट यूज़ किया और ए की वैल्यू अगर चेंज करते जाएंगे बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ ए वी एपटेन डिफरेंट सर्फिसिज सेट ऑफ ऑल डिफरेंट सर्फिसिस For different values of a is called one parameter family of surfaces with parameter a. यानी yani, अगर a की value change करते जाएंगे तो सरफेस आपके पास different different आते जाएंगे और तमाम surfaces की family को हम क्या बोलेंगे? One parameter family of surfaces. अब example let's suppose आपके पास ये एक function है ये देख लें x square plus y square minus a square is one parameter family of spheres. ठीक है तो ये स्फीयर की हमारे पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर तो, तो जिसमें सेंटर ऑरिजन पे है और रेडियस कितना है हमारे पास ए है अगर ए चेंज करते जाएं यानी रेडियस चेंज करते जाएं तो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास स्फीयर आते जाएंगे नेक्स्ट हमारे पास है करेक्टरिस्टिक ऑफ ए सरफेस करेक्टरिस्टिक क्या है ये एक चीज़ देखें द दे कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ़ टू सर्फस दो सरफेस के इंटरसेक्शन से जो कर बनेगी ऑफ द फैमिली करस्पॉन्डिंग टू पैरामीटर वैल्यू ए एंड ए प्लस डेल्टा ए यानी क्या मतलब हो गया कि दो सर्फसेज का इंटरसेक्शन होना चाहिए ठीक है और वो सर्फसिस हमने कहाँ से लेनी है फैमिली ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ए यानी एक वैल्यू लेट्स सपोज ए है तो दूसरी वैल्यू क्या है ए प्लस डेल्टा ए यानी ए में कुछ चेंज ए की वैल्यू चेंज करने से डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास सर्विसिज़ आते हैं ना इसीलिए एक ए है और एक लेट सपोज़ उससे कोई और वैल्यू उसमें चेंज है उनकी जो आपस में इंटरसेक्शन होगी तो एक कर्व बनेगी ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ सर्फिस यानी करेक्टरिस्टिक ऑफ सर्फिस ऐसी सर्फिस कर्व uh, है हमारे पास जो कि कोई सी दो uh, जो कर्व हैं फैमिली ऑफ सर्विसज में से उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो वो कर्व बनेगी इज़ डिटर्मेंट बाई द इक्वेसन और ये हम निकालेंगे कैसे इस तरह से ये इसे ये देख लें दोनों ये दो इक्वेशन हैं एक इक्वेशन का ये सर्फिस फैमिली ऑफ सर्फिस हैं जो कि पैरामीटर क्या है ए इसमें क्या है ए प्लस डेल्टा एंड देर फॉर द इक्वेशन यानी इन इक्वेशन को हम ये भी लिख सकते हैं कि सिर्फ एफ ऑफ ए लिख लें इज इक्वल टू तो ज़ीरो या फिर क्या लिख लें हम यानी इसको ये लिख सकते हैं क्योंकि ये इसमें चेंज है ना कुछ तो ये हम वो कौन सा फार्मूला यूज़ करें डेरिवेटिव वाला फार्मूला इज़ इक्वल टू जीरो हेयर फॉर द सेक ऑफ़ कन्वेंस वी यूज़ एफ ऑफ ए फॉर दिस यानी अगर सिर्फ इसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ़ हम एफ ऑफ ए लिख सकते हैं और इस चीज़ की जगह पर हम इसकी जगह पर सिर्फ एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा ए लिख सकते हैं इफ़ डेल्टा ए अप्रोचेज़ टू जीरो यानी ये जो हमने उसमें चेंज लिया था अगर ये वेरी स्मॉल हो जाए द कर्व बिकम्स द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कंजरवेटिव मेंबर ऑफ द फैमिली एंड इट इज़ डिफाइंड बाय द इक्वेशंस यानी मतलब ये है कि अगर हम ये वेरी स्मॉल कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि कंजेक्टिव पॉइंट कह सकते हैं आप ठीक है ना यानी वेरी नियर होंगे दोनों सर्फिस एक दूसरे के और उनके इंटरसेक्शन से असल में वो कर्व बन रही है देन हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि एफ आफ एज़ इक्वल टू जीरो और एफ आफ ए का डेरीवेटिव इज इक्वल टू जीरो पार्शल डेरीवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो दिस कर्व इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक ऑफ़ द सर्फिस फॉर द पैरामीट्रिक वैल्यू ए तो ये जो कर्व आपके पास बनेगी इसको हम क्या बोलेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ़ द सर्फिस ठीक है नेक्स्ट एक डेफिनेशन क्या है जी इनवेल्प द लोकस ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ़ एफ ऑफ एज इक्वल टू ज़ीरोज़ ए वेरीज़ यानी ए चेंज करते जाएं तो एफ़ ऑफ ए को जीरो रखें ठीक है ना तो करेक्टरिस्टिक बनेगी और करेक्टरिस्टिक का जो लोकस होगा उसको हम क्या बोलते हैं इनवेल बोलते हैं द लोकस ऑफ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ आ इक्वल टू ज़ीरो एज ए वेरीज़ ठीक है ना यानी ए चेंज करते जाएंगे तो यानी ये असल में क्या लिखा है वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सर्विसिज़ लिखा हुआ है ना तो उसके जो करैक्टरिस्टिक होंगे उनका जो लोकस होगा उसको हम क्या बोलेंगे एनवेलप बोलेंगे इज़ कॉल्ड द एनवेलप ऑफ फैमिली ऑफ सर्विसज़ यानी आपको पता है हम इसकी इसकी जगह पर इसकी जगह पर ये भी लिख सकते थे तो ये फैमिली ऑफ सर्विसज़ का जो करेक्टरिस्टिक होंगे उनका जो लोकस बनेगा वो क्या बनेगा इन्वेलप बनेगा तो फाइंड द इन्वेलप ऑफ़ द फैमिली ऑफ़ पैराबोलाइड्स अब ये देखें आपके पास पैराबोलाइड्स गिवन है ठीक है ना फैमिली ऑफ पैराबोलाइड्स ये इक्वेशन गिवन है जिसमें ए जो है यहाँ पे पैरामीटर है तो ये आपके पास फैमिली ऑफ सर्विसज़ यानी वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सर्विस की इक्वेशन है तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं एफ़ की फार्म में यानी ये आपके पास इक्वेशन वन होगी इक्वल्स टू जीरो की फार्म में हमने इसको इस इक्वेशन को लिख दिया इसका डेरिवेटिव लें ए के लिहाज से पा एफ़ यानी एफ़ का डेरिवेटिव लें ए के लिहाज से उसको भी ज़ीरो रखें और जब इसको ज़ीरो रखा तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन तो इक्वेशन वन में जहाँ जहाँ पे पैरामीटर था ए सॉरी कॉन्स्टेंट था वहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ गई और ये इक्वेशन असल में किसकी इक्वेशन है विच इज़ द राइट सर्कुलर कोन एज इन्वेलप यानी पहले आपके पास ये चीज़ थी पैराबोलाइड्स ठीक है फैमिली ऑफ पैराबोलाइड्स लेकिन जो उसके ऊपर हमारे पास इन्वेलप बना इसका यानी लोकस ऑफ करेक्टरिस्टिक हमने जो बनाया वो असल में हमारे पास क्या फ़ाइंड हो गया हमारे पास राइट सर्कुलर कोन आ गई तो इस यही इसका क्या है इन्वेलप है थ्योरम क्या है प्रूव एट द इन्वेल्प टच इज़ ईच मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ सर्विसज एट ऑल पॉइंट ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन ये है कि इन्वेलप जो होता है वो टच करता है ईच मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ सर्विसज हर मेंबर फैमिली ऑफ सर्विसज में जितने भी मेंबर हैं उन सबके मेम्बर को ऐट ऑल पॉइंट ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक करेक्टरिस्टिक के हर पॉइंट के ऊपर वो उसको टच करेगा किस को टच करेगा ऑल मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ सर्फिसिज द करेक्टरिस्टिक करस्पॉन्डिंग टू द पैरामीट्रिक वैल्यू ए लाइज बोथ ऑन सर्फिस विथ सम पैरामीटर वैल्यू एंड ऑन द इनवेलप ठीक है मतलब ये है कि हमारे पास करैक्टरिस्टिक असल में क्या होता है करेक्टरस्टिक हमारे पास जो है करस्पॉन्डिंग यानी करेक्टरिस्टिक जो बनेगा एक एक रेफरेंस से जो करेक्टरिस्टिक बनेगा कहता है वो सरफेस के ऊपर भी कर रहा होगा ठीक है ना और सरफेस पे क्यों लाई कर रहा है क्योंकि करेक्टरिस्टिक असल में था क्या करेक्टरिस्टिक था कि दो सर्फसिस की इंटरसेक्शन से जो कर बनेगी तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर वो जो करैक्टरिस्टिक है वो सर्फिस के ऊपर तो लाई कर रहा है दो सर्फिस के इंटरसेक्शन से बनती थी ना तो सर्फिस के ऊपर तो कर रहा है विथ सम पैरामीटर वैल्यू एंड ऑन द इनवेल्प और इनवेलप के ऊपर भी लाइक कर रहा है क्यों क्योंकि आगे फिर इनवेलप क्या चीज़ है इनवेलप असल में करैक्टरिस्टिक का ही लोकस लोकस ऑफ करैक्टरिस्टिक तो जाहिर सी बात है जब लोकस बना रहे हैं करेक्टरिस्टिक का तो करेक्टरिस्टिक uh, फिर सर्फिस के ऊपर भी है और कहाँ पर है इनवेलप के ऊपर भी है ठीक है द नॉर्मल टू द सर्फिस इन्वेलप द नॉर्मल टू द अब यहाँ पर यह दूसरी बात कि नॉर्मल टू द सर्फिस ये सर्फिस जो हमें गिबन है उसके ऊपर जो नॉर्मल वैक्टर है किसी भी सर्फिस के ऊपर जो नॉर्मल वैक्टर होता है वो कैसे फ़ाइंड करते हैं हम उसका ग्रेडिएंट फाइंड करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल टू द सर्फिस इस सर्फिस के ऊपर जो नॉर्मल है वो असल में पैरल होगा दिस वैक्टर के और ये कौन सा वैक्टर होता है ये आपको पता किसी भी सर्फिस के ऊपर नॉर्मल uh, वेक्टर होता है तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल टू द सरफेस इज़ पैरेलल टू दिस वेक्टर तो ग्रेडियंट अगर फाइंड करें एफ़ का तो वो आपको पता है वो ये होगा एफ़ एक्स एफ वाई और एफ़ जी द इक्वेशन ऑफ इन्वेलप इज़ ऑब्टेन बाय एलिमिनेटिंग ए फ्रॉम द इक्वेशंस और इन्वेलप कैसे फाइंड किया जाता है इन्वेलप फाइंड करने के लिए आपको ए एलिमिनेट करना पड़ेगा एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू जीरो में से और ए के डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो में से द इन्वेलप इज़ देअर फोर रिप्रजेंटेड बाय इन्वेलप असल में देखें इसी चीज़ हमने कहा था कि इन्वेलप की डेफिनेशन के मुताबिक इसी चीज़ से रिप्रेजेंट होगा कि ये ज़ीरो होगा वेयर ए इज़ रिगार्डिड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी या फिर यानी इन्वेलप फाइंड करने के लिए हम ये इज़ इक्वल टू जीरो और ये डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब ये हो गया कि इसको जीरो रखें और इस डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल रखें द नॉर्मल टू द इन्वेल्प इज़ देन पैरेलल टू द वेक्टर अब ये देखें हमारे पास नॉर्मल वेक्टर पहले क्या चीज़ था एफ़ एक्स यानी सिर्फ पार्शल एफ़ बाई पार्शल एक्स पार्शल एफ़ बाई पार्शल वाई पार्शल एफ़ बाई पार्शल जी लेकिन हमने जो नॉर्मल टू द इन्वेलप इस पैरल टू द वेक्टर वो कैसे हमने फाइंड किया क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि वो इन दोनों से निकलेगा आपका जो इन्वेलप है वो इससे रिप्रेजेंट हो रहा है इसलिए हम ये कह सकते हैं हम अगर इसको ये इस फॉर्म में लिख निकलें पार्शल एफ़ बाई पार्शल एक्स प्लस पार्शल एफ़ बाई पार्शल ए पार्शल ए बाई पार्शल एक्स यानी इसमें चेन रूल लगा के हमने ए इंक्लूड कर दिया चेन रूल लगा के ए इंक्लूड कर दिया चेन रूल लगा के ए इंक्लूड कर, कर लिया बट इन दिस केस ऑफ इनवेलप के केस में क्या होता है पार्शल एफ़ बाई पार्शल ए क्या होता है ज़ीरो होता है तो जहाँ जहाँ पे यहाँ पर भी जीरो यहाँ पर भी ज़ीरो और यहाँ पर भी ज़ीरो आ जाएगा जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये आपका फिर दोबारा क्या बन जाएगा पार्शल एफ़ बाई पार्शल एक्स पार्शल एफ ए पार्शल बाय यानी कि यह चीज़ बन जाएगी तो ये इक्वेशन थ्री इक्वेशन वन एंड थ्री शोज डेट ऑल एट ऑल कॉमन पॉइंट्स द सर्विसज एंड द इनवेलप हैव सेम नॉर्मल यानी जो पहले नॉर्मल निकला था अभी भी वही नॉर्मल निकल है ना ठीक है तो इसका मतलब ये होगा कि सेम नॉर्मल वेक्टर आ रहे हैं और सेम नॉर्मल वेक्टर आ रहे हैं एंड देयर फोर सेम टेंजेंट प्लेन नॉर्मल अगर वेक्टर सेम हो तो वो सेम टेंजेंट होता है तो टेंजेंट प्लेन क्या होंगे सेम होंगे सो डैट दे टच ईच अदर एट ऑल पॉइंट ऑफ करेक्टरिस्टिक इसका मतलब ये हो गया कि वो हर पॉइंट के ऊपर उसको टच करेंगे क्योंकि टेंजेंट प्लेन ही क्या हो रहे हैं सेम आ रहे हैं आपके पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन है स्फीयर ऑफ कॉन्सटेंट रेडियाई बी हैव देयर सेंटर ऑन फिक्स्ड सर्कल सफ़ियर्स हमारे पास कौन सा है जिसका ये रिडाई का मतलब है कि रेडियस उसका बी है ठीक है ना और उसका सेंटर कहाँ पे है फिक्स्ड सर्कल ये जो सर्कल है ना इस सर्कल के ऊपर उसका क्या है सेंटर है एंड जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्रूव करें कि उसका इनवेलप ऑन द सर्फिस आर यानी ये निवेल्प हमने शो करना है तो अब बात सुने आपके पास कोई भी सर्कल है सर्कल की इक्वेशन क्या है एक्स स्केर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर अब सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है सर्कल उसने कहा था सेंटर असल में कहाँ है हैव देयर सेंटर ऑन फिक्स्ड सर्कल यानी सेंटर जो है वो सर्कल के ऊपर ही कहीं कर रहे तो सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो यानी अगर सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट हो ना तो वो उसकी इक्वेशन को क्या करता है सेटिस्फाई करता है अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ ए कॉस ठीटा ए साइन ठीठा और जीरो और आपको पता है ये जो यानी ये पैरामीट्रिक इक्वेशन हैं ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पर लाई करता है सर्कल पर लाई करता है बी द पॉइंट ऑन द दिस सर्कल एज इज इक्वल टू ज़ीरो देयर फॉर द इक्वेशन ऑफ सफियर ऑफ रेडियस बी एंड सेंटर एट पी सेंटर कहाँ पे है सर्कल के ऊपर सर्कल के किसी पॉइंट के ऊपर और वो पॉइंट कौन सा है ये पॉइंट है यानी ये स्फीयर का क्या है सेंटर है ये स्फीयर का क्या है सेंटर तो स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है एक्स माइनस यहाँ पर यानी सेंटर एच के हम यहाँ पे लिखते थे तो ये सेंटर के लिए ये पॉइंट लिख दिया ठीक है ये स्फीयर की इक्वेशन है आपके पास जिसका सेंटर कहाँ है पॉइंट पी के ऊपर और रेडियस कितना है बी है तो अब नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे इस इक्वेशन के ये स्क्वेयर्स ओपन करें इसको सिंप्लीफाई करें ठीक है तो इसमें ये एक आपके पास फंक्शन बन गया है एक्स वाई जी और पैरामीटर इसमें क्या आ रहा है थीटा आ रहा है यहाँ पे लेकिन ए यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये आपके पास फंक्शन यानी वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सर्विसज़ बन गया विद पैरामीटर थीटा अब थीटा के लिए असि डेरिवेटिव ठीक है और उसको क्या रखना है हमने इसको भी जीरो के इक्वल रखना है और इसको भी ज़ीरो के इक्वल रखना है जब इसको ज़ीरो रखोगे तो यहाँ से आपके पास टेंजेंट थीटा बनेगा यानी इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें टेंजन थीटा इसके इक्वल है अगर टेंजंट हमें थीटा फाइंड हो जाए तो हम यानी वो को साइन ला और साइन ला यूज करके साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ फ़ाइंड कर सकते हैं अब हम हम साइन ठीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ पे लगा देंगे इक्वेशन वन में यानी यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज़ लगा दें तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यू लगाओगे उसको सिंपलीफाई करोगे तो आपके पास ये इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करें यानी इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करें ठीक है मज़ीद सिम्प्लीफाई करने के बाद ये इस फॉर्म में आ गया तो और प्रूव हो गया कि ये इक्वेशन असल में क्या थी इन्वेलप जो हमने प्रूव करना था कि प्रूव डेट देयर दे इनवेलप ऑन द सर्फिस आर यानी वह इस फॉर्म में होगा तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया नेक्स्ट एज ऑफ रिग्रेशन एज ऑफ रिग्रेशन क्या चीज़ है द लोकस ऑफ अल्टीमेट इंटरसेक्शन ऑफ इन क्रैक्टरिस्टिक्स ऑफ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सर्फसिज अब देखो पहले हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ थी करैक्टरिस्टिक करैक्टरिस्टिक हमारे पास कहाँ से आई कि हमने वहाँ पे करैक्टरिस्टिक क्या चीज़ थी कि लोकस ऑफ लोक uh, यानी इंटरसेक्शन से दो सर्विसज के इंटरसेक्शन से जो कर बनती थी वो क्या थी करेक्टरिस्टिक करेक्टरिस्टिक का जो लोकस था वो क्या बना आपके पास इन्वेलप अब लोकस ऑफ अल्टीमेट इंटरसेक्शन ऑफ कंजैक्टिव क्रैक्टरिस्टिक्स अब करैक्टरिस्टिक्स की आपस में इंटरसेक्शन जो होगी कंजैक्टिव करेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सर्विसज के उनकी इंटरसेक्शन जो होगी उनका जो लोकस बनेगा लोकस ऑफ इंटरसेक्शन तो उसको हम क्या बोलेंगे एज ऑफ रिग्रेशन इट कैन बी ऑब्टेंड बाय इलिमिनेटिंग ए फ्रॉम पहले हम ए कहाँ से एलिमिनेट करते थे एफ़ ऑफ फेज़ इक्वल टू जीरो और एफ का ए के लिए डेरीवेटिव इज इक्वल टू जीरो लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आ जाएगी एफ़ का डबल डेरिवेटिव इज ईक्ल टू ज़ीरो क्यों क्योंकि देखें सबसे पहले हमने कहा हम कहाँ पर थे सिर्फ और सिर्फ करेक्टरिस्टिक पे और करेक्टरिस्टिक में क्या था एफ ऑफ फेज़ इक्वल टू ज़ीरो जब हम गए इन्वेलप वहाँ पे क्या हो गया एफ का डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो अब कर, अब हमने ये सब में क्या करना है करेक्टरिस्टिक्स की ही हमने इंटरसेक्शन uh, करनी है आपस में तो इसका मतलब ये हो गया हमें कोई और भी करेक्टरिस्टिक लेनी पड़ेगी यानी और चेंज लेना पड़ेगा तो एक दफ़ा और हम डेरिवेटिव लेंगे इज इक्वल टू जीरो अब क्वेश्चन ये है फाइंड द एज ऑफ रिग्रेशन ऑफ इन्वेलप ऑफ द इनवेलप टू द प्लेन्स देखें ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है ठीक है थीटा की फॉर्म में तो हमने क्या फ़ाइंड करना है ऑफ रिग्रेशन तो एक दफ़ा डेरिवेटिव लें इसका थीटा के लिहाज से डबल डेरिवेटिव लें थीटा के लिहाज से यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं ये देखें जैसे पिछले क्वेश्चन में फाइंड की टेंज एंड ठीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स तो इसी तरह साइन थीटा और कॉज थीटा हम और थीटा वैल्यू निकाल सकते हैं इन तमाम वैल्यूज़ को इक्वेशन वन में लगा दें यहाँ पर इनकी वैल्यूज लगा दें इक्वेशन वन में साइन कॉज और थीटा की वैल्यू ये तमाम वैल्यूज़ लगाने के बाद इसको जब यहाँ से हमने जी फाइंड कर लिया ये आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे और जी इज़ इक्वल टू दिस ठीक है अब इस जी की वैल्यू इक्वेशन आप लगा दें टू में इक्वेशन टू में ये देखें यहाँ पे सॉरी uh, इक्वेशन टू में हमने किसकी वैल्यूज़ लगाई वही वैल्यू साइन की और कॉज़ की जब इनकी वैल्यूज़ दोबारा हमने लगाई यहाँ से फिर एलसीएम लेंगे तो ये ए स्क्वेयर या फिर यानी मतलब ये होगा कि ये चीज़ की वैल्यू क्या है ए है इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ए स्क्वेयर जो है वो इसके इक्वल है तो इक्वेशन फोर एंड फाइव यानी ये इक्वेशन फोर से एक हमें इक्वेशन फोर मिली और एक इक्वेशन फाइव मिली प्रू प्रोवाइड आस द इक्वेशन ऑफ एज ऑफ रिग्रेशन यानी यहाँ से हमारे पास क्या प्रूफर है कि ये इक्वेशन दोनों किस को रिप्रजेंट कर रही हैं एज ऑफ रिग्रेशन्स को नेक्स्ट क्वेश्चन है शो डट द इन्वेलप ऑफ द प्लेन ऑफ द प्लेन यानी ये प्लेन हमें गिवन है इज़ द एलिपसाइड वेर फाई एंड थीटा आर इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स मतलब ये हो गया कि आपको क्या गिवन है थीटा की फॉर्म में फंक्शन गिवन है यानी कि एफ ऑफ थीटा हमारे पास ये हो गया ठीक है ना तो अब हमारे पास पैरामीटर दो थे थीटा और फाई तो सबसे पहले हमने थीटा कंसीडर किया तो थीटा के कंसीडर करने से हम इसको जीरो के इक्वल रखें और इक्वेशन वन इसका ठीटा के लिहाज डेरीवेटिव नहीं और उसको जीरो के इक्वल रखें इक्वेशन टू से हम वैल्यूज़ निकालेंगे कुछ फॉर एग्जांपल वही टेंजेंट वाला रूल यूज़ करके तो जब टेंजेंट वाला रूल यूज़ करोगे तो साइन और कॉज की वैल्यूज़ मिल जाएंगी तो यहाँ तक हम आ गए अब उसी इक्वेशन में क्योंकि दूसरा पैरामीटर भी है फाई अब फाई कंसिडर कर लें तो एफ़ ऑफ फाई उसको ज़ीरो के इक्वल रखें फाई के लिहाज से डेरीवेटिव लें उसको जीरो के इक्वल रखें और फिर उसी तरह से ये देखें आपके पास टेंजेंट की फॉर्म में आ जाएगा ये क्वेश्चन टेंजेंट की फॉर्म में आ गया इसको इधर डिवाइड करने से तो टेंजेंट आपके पास इस जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो टेंजेंट इस फॉर्म में आ गया इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से फिर वो रूल यूज़ करके आप क्या यूज़ करेंगे साइन फाई और कॉज फाई दोनों वैल्यूज़ लगाएंगे अब आपके पास फाई की फॉर्म में और थीटा की फॉर्म में साइन और कॉज की वैल्यूज़ हैं उनको इक्वेशन वन में लगा दें जब इक्वेशन वन में यानी जो आपके पास गिवन इक्वेशन थी यानी ये एफ ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो इसमें जब आप ये वैल्यूज़ लगा देंगे तो आपके पास क्या फाइंड हो जाएगा कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करें मज़ीद सिम्प्लीफाई करने के बाद इसमें दोनों तरफ स्क्वायर किया और डिवाइड कर दिया इस यानी कॉमन ले लें या डिवाइड कर दें तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई और ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है एलिपसाइड है, तो ये आपके पास क्या फाइंड हो गया एज इन्वेलप एलिपसाइड एज एन इन्वेलप यानी इन्वेलप के लिए आपको क्या करना होता था सिर्फ़ एक डेरिवेटिव लेते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक डेरिवेटिव लिया डबल डेरिवेटिव हमने नहीं लिया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इनवेलप आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव डेट द इन्वेलप ऑफ द प्लेन इज एन एलिपसाइड वेयर पी स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस ये प्लेन की क्वेश्चन गिवन है जिसमें पी स्क्वेयर हमें ये इस अलहदा से हमें ये गिवन है अब फंक्शन जो गिवन है वो देखें एफ़ ऑफ एक्स वाई जी जिसमें पैरामीटर क्या आ रहे हैं या वो कांस्टेंट क्या आ रहे हैं एल एम और एन जो इक्वेशन गिवन है इसको जीरो के इक्वल रख लें यानी ये इक्वेशन आपके पास है अब ये एफ है आपके पास ठीक है और इसमें पी आ रहा है पी की वैल्यू अब यहाँ से निकाल लें ठीक है वो भी एल एम और एन की फॉर्म में आ जाएगी तो यहाँ पर लगा दें अब इसका पहले क्योंकि तीन पैरामीटर हैं इसमें या कॉन्सटेंट है एल एम और एन तो एक दफ़ा एल के लिहाज से डेरीवेटिव तो इसका डेरिवेटिव करो ना ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे और ये इसके ऊपर वो पावर रूल लगाएँ तो ये डेरिवेटिव इसको ज़ीरो के इक्वल रखा यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल गई ठीक है ये दोबारा किसकी वैल्यू बन गई है पी की वैल्यू बन गई इसकी जगह हम पी लगा सकते हैं तो ये एक्स की वैल्यू मिल गई और यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया एल फाइंड कर लिया इसी तरह अगर एम के लिए से डेरिवेटिव लोगे उसको ज़ीरो के इक्वल रखोगे तो इसकी जगह दोबारा पी लगाओगे तो यहाँ से वाई की वैल्यू मिलेगी या फिर एम की वैल्यू मिलेगी इसी तरह एम की वैल्यू निकाल लें या फिर z की वैल्यू निकाल लें पुट द वैल्यूज़ ऑफ़ एल एम और एन इन वन क्योंकि हमने एल एम एन ही एलिमिनेट करने थे तो उनकी वैल्यूज़ हमने निकाली हुई हैं तो वो ऊपर पुट कर दें जब वो वैल्यूज़ आप यहाँ पे लगाएंगे पी कामन लेंगे दोनों तरफ से पी कैंसिल हो जाएगा तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास और ये किसकी इक्वेशन है एलिपसाइड एज एनवेलप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द इनवेलप एंड एज ऑफ रिग्रेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्विस फैमिली ऑफ सर्विस गिवन है सी इसमें पैरामीटर है यानी हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं सी की फॉर्म में अब हमने इसमें एज ऑफ रिग्रेशन भी फाइंड करना है और इन्वेलप भी फाइंड करना है तो याद रखें इन्वेल्प फाइंड करने के लिए एफ़ ऑफ़ एज़ इक्वल टू जीरो और एफ ऑफ ए का ए के लिए ऐसे डेरीवेटिव इक्वल टू ज़ीरो और अगर एज ऑफ रिग्रेशन फाइंड करना है तो डबल डेरिवेटिव तो ये फंक्शन गिवन था इसका सी के लिहाज से डेरिवेटिव किया और ज़ीरो के इक्वल रखा यहाँ से इसको सिम्प्लीफाई करें सी निकालें क्योंकि सी एलिमिनेट करना है ना सी फोर सी फोर की वैल्यू आ गई आपके पास नाउ स्क्वेयरिंग वन वी हैव इक्वेशन वन का स्क्वेयर करें अगर ठीक है यानी ये जो इक्वेशन है ना जीरो के इक्वल इसका स्क्यर करें क्योंकि इसको हमने क्या रखना होता है ज़ीरो रखना होता है ना जीरो के इक्वल तो ये ज़ीरो रख दिया हमने यहाँ पर ये तो जब इसका स्क्वेयर करेंगे ठीक है स्क्वेयर ओपन करेंगे इसका स्क्वेयर ओपन किया यहाँ पे नाउ स्क्वेयरिंग वन वी हैव है स्केयर ओपन करें तो पुट द वैल्यू ऑफ सी फोर सी फोर की आपने ये वैल्यू निकाली थी और इक्वेशन वन का जब स्क्वेयर किया तो यहाँ सी फोर आ गया है तो इसकी ये वैल्यू लगाएं यहाँ पे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें एलसीएम लें विच इज़ द इन्वेलप ऑफ द सरफेस ठीक है यानी इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे ना आप तो विच इज़ द इन्वेलप ऑफ द सर्फिस यानी फोर इसको सॉल्व करें आपस में ये इनको आपस में प्लस माइनस करें तो ये फोर यानी ये कितना इकट्ठा करें ना इनको तो ये फोर जी स्को एर विच इज़ द इन्वेलप टू द सरफेस अब हमने अगर एज ऑफ रिग्रेशन फाइंड करना है तो एक और डेरिवेटिव कर लें सी के, के लिहाज से उसको भी जीरो रखें इक्वेशन ऑफ एज ऑफ रिग्रेशन कैन बी ऑब्टेंड बाई एलिमिनेटिंग सी फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री वन में ये चीज़ थी ठीक है वन में अगर ये चीज़ है तो यहाँ यानी इसके इक्वल है दूसरी तरफ हम कि इसको सिंप्लीफाई करें इसको उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट करें और यहाँ से यानी इन चीज़ों में जी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर और माइनस हाँ जी यहाँ पे जो इक्वेशन थ्री थी उसको भी सिंप्लीफाई करें इक्वेशन थ्री को इसको जब इसको ज़ीरो के इक्वल है यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं क्या चीज़ का सी स्क्र यहाँ से सी फोर है सी स्क्वेर इस तरफ भी शिफ्ट कर लें ठीक है और टू को इस तरफ नीचे डिवाइड कर दें और इस चीज़ को उठा के इस तरफ शिफ्ट करें यानी इस इक्वेशन में भी ये चीज़ बनाएं जब ये चीज़ बनेगी दोनों तरफ तो इसका मतलब ये इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड लेफ़्ट के इक्वल तो राइट right राइट right के इक्वल इसका मतलब ये चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी इस चीज़ के इक्वल आ जाएगी और यहाँ से फिर इसको सिंप्लीफाई करें इसको दूसरी तरफ जाके प्लस माइनस करें तो ये चीज़ आ गई आपके पास और सी स्क्वेयर हमें ये चीज़ मिल गई जब सी स्क्वेयर मिल गया तो वैल्यू ऑफ सी स्क्वेयर लगा दें इक्वेशन वन में और उसको सिंप्लीफाई करें सिम्प्लीफाई करके आप लिख लें जितना आप लिख सकते हैं विच इज़ द एज ऑफ रिग्रेशन तो आज का टॉपिक हम यहाँ तक ही रखते हैं जिसमें हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी है कि करेक्टरिस्टिक uh, क्या चीज़ है वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सर्विसिज़ क्या चीज़ है एज ऑफ रिग्रेशन इन और उनको हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में फाइंड करके देखा तो थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़